हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एमसीयू के फेस 1, 2 और 3 में कौन कौन सी मूवीज आई थी और उसमें हमें कौन कौन से विलन देखने को मिले थे। तो ज्यादा देर न करते हुए, बकबक को साइड रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फेस 1 में जो मूवी आई थी उसका नाम है आयरन मैन। ये 2008 में मूवी आई थी और इसमें मेन विलन के रोल में हमें ओब्दिया स्टेन दिखे, जिसे आयरन मॉन्गर या कहें तो मेटल मॉन्गर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी मूवी द इनक्रेडिबल हल्क इसी साल 2008 में ही आई थी। इसमें मेन विलन एमिली बॉन्स की या कहें तो एबोमिनेशन है, जिसे ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद आयरन मैन 2 मूवी 2010 में आती है, जिसमें मेन विलन इवान वैंको या कहें तो विफलेस है। यह एक रशियन वैज्ञानिक होता है जो आर्क रिएक्टर बनाता है स्टार्क परिवार से बदला लेने के लिए। इसके बाद थॉर मूवी आती है 2011 में, जिसमें मेन विलन होता है लोकी। यह एडॉप्टेड ब्रदर होता है थॉर का और लाफे का बेटा होता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में आती है, जिसमें मेन विलन रेड स्कल होता है और यह हाइड्रा जैसे संगठन को चलाता है दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान। 2012 में एक मूवी आती है द अवेंजर, इसमें मेन विलन लोकी होता है। यहाँ पर हम लोग का फेस 1 खत्म हुआ, अब हम लोग फेस 2 शुरू करेंगे। फेस 2 में जो पहली फिल्म आई हुआ है आयरन मैन 3, 2013 में ये मूवी आई थी और इसमें मेन विलन ऑल्ड्रिच किलियन था, जो एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए विलन का रोल भी निभाया और यह सबसे बेहतर विलन साबित हुआ आयरन मैन के यूनिवर्स में। 2013 में एक और मूवी आई थी जो थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी थी और इसमें विलन मालिकीथ द एक्सर था। 2014 में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी आई, जिसमें बैट्रिक द लिपर और क्रॉस बॉन्स जैसे मेन विलन शामिल थे। फिर 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी को और इसमें मेन विलन दिखाया गया रोनन को। फिर 2015 में मूवी आई द अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, इसमें मेन विलन में एक रोबोटिक प्रोग्राम को दिखाया गया जिसका नाम अल्ट्रॉन था। इसके बाद 2015 में एक नई मूवी आई अंटमैन, जिसमें मेन विलन में हमको दिखाया गया डैरेन क्रॉस को या कहे तो येलो जैकेट को। यहाँ पर हमारा फेस 2 खत्म होता है, अब फेस 3 की बारी। एमसीयू फेस 3 में जो पहली फिल्म हमें देखने को मिली हुआ है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ये 2016 में आई थी और इसमें मेन विलन हेलमुट जेमो था। इसके बाद 2016 में ही डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई, जिसमें मेन विलन हमें डॉर्मामो को दिखाया गया। फिर 2017 में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 आई, जिसमें मेन विलन एगो को दिखाया गया। इसके बाद 2017 में ही स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी आई, जिसमें एड्रियन टूमर्स को या कहे तो वेल्चर को दिखाया गया मेन विलन के रोल में। थैर रैग्नारोक भी 2017 में ही आई, इसमें मेन विलन सर्टर को दिखाया गया या कहे तो हेला थी, दोनों ही मेन विलन के रोल में थे। बात करें तो 2018 में जो मूवी आई ब्लैक पैंथर, इसमें मेन विलन हमें किल मॉन्गर को दिखाया गया। फिर 2018 में हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस को दिखाया गया। उसके बाद 2018 में ही एंट मैन एंड द वास्प मूवी में घोस्ट नाम से हमें एक नई विलन को दिखाया गया। फिर 2019 में कैप्टन मार्वल मूवी आई, जिसमें मेन विलन द स्कल्स थे। इसके बाद बात करें तो 2019 में ही अवेंजर इनकेम मूवी आई, जिसमें मेन विलन थैनोस था। फिर 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी आई, जिसमें मेन विलन मिस्टीरियो था। इस तरीके से हमने फेस 3 को भी कवर कर लिया। अगर आपको फेस 4 और फेस 5 में कौन कौन सी मूवी आने वाली इसको देखना है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए फॉर द मोटिवेशन। और अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आया तो आप इसको शेयर भी करिए, और प्लीज थैंक यू।